स्वागत है आपका बार मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के मानहानि केस पे एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से रजत शर्मा को गलत तरीके से पोर्ट्रेट करने की कोशिश की थी उसमें साफ तौर पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता उन ट्वीट्स को हटाएं और ट्विटर को साफ तौर पर एक्स को यह निर्देश जो है हाईकोर्ट की ओर से दिए गए लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली हाईकोर्ट में ये पूरी सुनवाई हुई एक्स ने अपनी दलील कोर्ट में रखी और एक्स की तरफ से ये कहा गया कि रजत शर्मा का जो डिबेट का वीडियो था रागनी नायक के साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के साथ वो कोई एडिटेड वीडियो नहीं था वो हुबहु ऐसा ही वीडियो था जैसा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पोस्ट किया लेकिन यहां पर एक्स ने एक और जो चीज है वो कोर्ट में कही उन्होंने कहा कि रजत शर्मा कुछ बुदबुदा रहे थे लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं जो है रजत शर्मा के इस पूरे वाक्य को पेश किया है लेकिन इस बात का जिक्र कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं किया और वो एक्स का बयान ही अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं यानी कुल मिलाकर हाईकोर्ट में जो हियरिंग हुई जिस तरीके से ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे राग्नी नायक हो पवन खेड़ा हो जयराम रमेश हो कि सात बजे तक वो रजत शर्मा को लेकर जो पोस्ट उन्होंने अपने एक्स पर किया है उसे हटाएं और आपको बता दें कि ये पूरी खबर सामने आने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है कांग्रेस पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है लेकिन यहीं पर पत्रकार रजत शर्मा की ओर से बाकायदा जो है अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने कई पोस्ट किए हैं जिसमें रजत शर्मा ने यह साफ तौर पर लिखा कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, चाहे फिर वो राग् नायक हो फिर चाहे वो पवन खेड़ा हो या जयराम रमेश हो जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट किया है दरअसल वो सच घटे या बढ़े तो सच न रहे झूठ की कोई इंत ही नहीं तो ये कृष्ण बिहारी नूर की ओर से कहा गया था एक कही कहीं ना कहीं कोर्ट के जखिए उन्होंने तंज जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आ, कसा है और यह साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जब हाई कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया कि आज शाम सात बजे तक वो अपने एक्स हैंडल से उनसे जुड़े तमाम पोस्ट को डिलीट करें यह साफ तौर पर कहा गया है लेकिन उसके बाद भी एक्स का एक बयान वो भी आधा अधूरा बयान लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता इस पूरे मामले में अपनी जीत बता रहे हैं अपना जश्न मना रहे हैं कि रजत शर्मा दरअसल गाली ही दे रहे थे रागनी नायक को आपत्तिजनक शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहे थे तो इस तरह की चीजें बताने की कोशिश जो है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जरिए की जा रही है कोर्ट की सुनवाई हुई और कांग्रेस पार्टी की नेता रागनी नायक जो कि उस डिबेट का हिस्सा थी जिन्होंने रजत शर्मा पर आरोप लगाए थे उन्होंने क्या कुछ लिखा उन्होंने लिखा कि एक्स ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मेरे द्वारा पोस्टेड वीडियो ना तो फेक है और ना ही एडिटेड है यानी राघनी नायक ने सिर्फ जो ट्विटर की एक लाइन है या एक बयान है उसको अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और कहा कि मेरे द्वारा पोस्टेड वीडियो ना तो फेक है और ना ही एडिटेड है दरअसल एक्स एक्स ने ने कहा कहा लेकिन सच क्या था ने ये भी कहा कि रजत शर्मा जो उस वीडियो में कुछ बुदबुदा रहे हैं कांग्रेस ने अपने हिसाब से उनके बुदबुदाने का इस्तेमाल किया है यानी जो आरोप उन्होंने रजत शर्मा पर लगाया लेकिन इस बात का कहीं भी जिक्र जो है वो रागनी नायक ने नहीं किया और उसी के बाद जो है रजत शर्मा ने ये पोस्ट किया और कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने बताया कि क्या कुछ जो है कोर्ट में हुआ रजत शर्मा की ओर से सिलसिलेवार ढंग से जो है इस हियरिंग का जिक्र किया गया और उन्होंने साफ तौर पर एक और पोस्ट एक्सपर किया और लिखा कि झूठ की इंतहा हो गई सच मैं बताता हूं कि सच क्या है आज ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में राग्नी नायक जयराम रमेश और पवन खेड़ा को ये निर्देश दिया है कि वो चौदह जून दो के ऑर्डर के मुताबिक अपने ट्वीट डिलीट करें। यानी 14 जून को दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि रागनी नायक जयराम रमेश और साथी पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता ये रजत शर्मा से ट्वीट को जो जुड़े हैं उनको डिलीट करें बावजूद इसके वो दरअसल इंटरनेशनल लेवल तक वो ट्वीट डिलीट नहीं हुए और उसके बाद हियरिंग एक बार फिर से हाई कोर्ट में हुई लेकिन आगे रजत शर्मा ये भी लिखते हैं कि आज ही अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया है कि अगर कांग्रेस लीडर ऐसा नहीं करते हैं तो ट्विटर इन ट्वीट्स को ब्लॉक कर दे यानी ये दिखाई ना दे और ये साफ तौर पर कहा और आज कोर्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस के ये लीडर इस डिबेट से जुड़े कोई भी पोस्ट ना करें जब तक कोर्ट अंतरिम आदेश पर फैसला नहीं कर लेती अदालत का आज का ऑर्डर सामने है कोई भी देख सकता है आप ही बताइए इसका क्या करें। यानी उन्होंने कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी अपने एक्स पर पोस्ट किया है आप देख सकते हैं कि ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया है उन्होंने साफ तौर पर इस ऑर्डर में आप अगर पढ़ेंगे इस ऑर्डर को तो ये जानेंगे कि ये साफ तौर पर कहा है कि सात बजे तक कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं आज वो रजत शर्मा से जुड़े जो उनके पोस्ट हैं इस डिबेट को लेकर जो उन्होंने गलतफहमी फैलाई थी जिस तरीके का आरोप रजत शर्मा पर लगाया था वो सारे जो आ, कहीं ना कहीं ट्वीट है वो डिलीट करें और साफ तौर पर इस बात का जिक्र जो है उनके ऑर्डर में यहाँ पर किया गया है तो ये ऑर्डर की एक कॉपी है जो रजत शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की है और कहीं ना कहीं सच्चाई बताने की कोशिश उनके जरिए इस पोस्ट में की गई है अब जब यह फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया तो उसके बाद तमाम जो पत्रकार थे वो रजत शर्मा के समर्थन में आ गए और इसी कड़ी में सुशांत सिन्हा की ओर से भी एक पोस्ट किया गया जाने माने पत्रकार हैं और उनकी तरफ से दरअसल लिखा गया पोस्ट करते हुए कि कोर्ट में हाथ छोड़कर आज शाम सात बजे तक सारे ट्वीट डिलीट करने की बात मानने वाले बाहर इकोसिस्टम से ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कोर्ट ने ये कह दिया हो कि रजत शर्मा ने गाली दी थी ऐसा है तो ट्वीट डिलीट क्यों कर रहे हो झूठ बोलो इकोसिस्टम में झूठ फैलाओ ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि यह इनकी आदत बन गई है कि इस तरीके से झूठ फैलाना फर्जी खबरें फैलाना इस तरीके से झूठी खबरों को लेकर इस तरीके से जश्न मनाना यह कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है लगातार हम भी आपको ऐसी कई खबरें बता चुके हैं जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और जिम्मेदार जो नेता हैं वो दरअसल बिना किसी फैक्ट चेक के तमाम ऐसी वीडियोज पोस्ट कर रहे हैं तमाम ऐसे दावे कर रहे हैं जो कि सच नहीं है क्योंकि सरकार को घेरना है तो इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बार फिर से ट्विटर का सिर्फ एक बयान जो दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी तरफ से दिया गया उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी और राजनी नायक वो प्रवक्ता जो कि रजत शर्मा के साथ उस दिन डिबेट का हिस्सा थी जब वो रजत शर्मा के साथ उस डिबेट में थी और ये पूरी बहस वहां पर इलेक्शन रिजल्ट के दिन चल रही थी रजत शर्मा ने ऐसी कोई गाली नहीं थी ये साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा कि ये स्पष्ट होता है और उसके बाद जब एक्स एक बयान देता है कि ये वीडियो एडिटेड नहीं है और लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि रजत शर्मा कुछ बुदबुदाए लेकिन कांग्रेस ने उस बुदबुदाने का मतलब जो है अपने हिसाब से निकाला और फिर रजत शर्मा पर ये आरोप लगाए तो ये कहने का ही पूरा जो एक लॉबी है पत्रकारों की वो रजत शर्मा के समर्थन में आ गई है वही कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जो है वो शुशांत सिन्हा ने भी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने वही जानकारी देने की कोशिश की है कि किस तरीके से कोर्ट में आज सुनवाई हुई है तमाम बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं किस तरीके से कहा गया है कि आज यानी 12 जुलाई का दिन है और शाम सात बजे तक ये ट्वीट जो है पूरी तरीके से डिलीट हो जाने चाहिए और ट्विटर को भी ये कहा गया है कि तेरह तारीख तक इनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए ट्वीट्स को यानी ये दिखने नहीं चाहिए ये साफ तौर पर जो है ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में निर्देश दिया है तो तमाम लोग जो है रजत शर्मा का यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं मानहानि का ये पूरा केस था जो रजत शर्मा की ओर से दरअसल दायर किया गया था अभिषेक उपाध्याय उनकी तरफ से भी लिखा गया है कि रजिस्ट्री बहुत अच्छा किया जो कोर्ट चले गए अब हाई कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है झूठ फैलाने वाले अपने हिस्से का पानी पी सकते हैं उन्हें थोड़ी सांस आएगी कायदे से उन्हें रजस्ट से माफी मांगनी चाहिए यानी साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि अब तो ये हालात तो जो हैं कांग्रेस पार्टी के लिए बन गए हैं कि अब तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है राग्नी नायक जिन्होंने आरोप लगाया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रोती बिलकती नजर आई और ये कहती नजर आई कि मेरा पूरा परिवार जो है परेशान है कि रजत शर्मा ने मुझे भरी डिबेट में इस तरीके से गाली दी है सीधा आरोप उनका यही था और उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है रजत शर्मा को मुझसे माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कह रहे थे लेकिन अब जब तो क्योंकि रजत शर्मा की छवि को यहां पर खराब करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जरिए की गई है इस तरीके से उन पर झूठा इल्जाम लगाकर तो फिलहाल अंतरिम फैसला हाईकोर्ट ने अभी इस बात में नहीं सुना है लेकिन जो भी सुनवाई इस केस में चल रही है उसमें कहीं ना कहीं रजत शर्मा को तो राहत मिली ही है लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं है ना सिर्फ राग्नी नायक ने क्या आरोप लगाए थे कांग्रेस की प्रवक्ता है बल्कि इसके अलावा पवन खेड़ा जयराम रमेश ये तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर थे जिन्होंने इस सिलसिले में पोस्ट किया था बकायदा रजत शर्मा को घेरा था तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये पूरा जो हाई कोर्ट का डिसीजन है अभी साफ ने आया है जब हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो एक्स ने वहाँ पर दलील दी उसके बाद एक्स को ये कहा है कि दरअसल तेरह तारीख तक ये तमाम जो पोस्ट हैं पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाने चाहिए जो भी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की ओर से रजत शर्मा को लेकर ये पोस्ट जो हैं वो किए गए हैं तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला कहीं ना कहीं कही आने वाले वक्त में क्या मोड़ लेगा क्या सुनवाई हाईकोर्ट में होगी ये देखना होगा लेकिन फिलहाल रजत शर्मा की ओर से और तमाम पत्रकारों की ओर से इस सिलसिले में कई पोस्ट किए गए हैं जो कि मैंने आपको बताए और तमाम लोगों ने जो है समर्थन रजत शर्मा को लेकर यहां पर दिखाया है फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद